अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तुसा रेत मेरे यूट्यूब चैनल, मैं अकील जाफर। चैनल को सब्सक्राइब कर गिन सो, नाल खड़े घंटी के बटन को दबा रहे सो ताकि हर नवी आने वाली वीडियो तुहाड़े तक बासानी पहुँच सके। अज तक मैं एक नवी इन्फॉर्मेशन देना चाहता कि तमाम सियासी जमायत अपने मफाद की जंग वजह लड़ जन, इन्हें को आवाम के हकूक का पता कोई नहीं। आवाम का ना तो चाहन लेकिन इन्हें को इस्तेमाल करें। डिस्ट्रिक्ट कोटदू का इलाका है बस्ती कुराई वाला, उन्हें डाफ मुकम्मल तौर पर त्रुट चुकी है। एरीगेशन का अमला उतना आया तक कोई नहीं, ना ही अफसरान कोई आया है कि इको बार वक्त बनाया बन सके। ये डाफ क्यों बनाई वेंदी है? डाफ इन वास्ते बनाई वेंदी है क्योंकि सत्ता जमीन अप है, नहर की सत्ता डाउन होंगी है। अगर रुकावट खड़ी करके ये डाफ बनाई वेंदी है ताकि किसानों को बासानी पानी मुहैया किया बन सके। सारे नाल रसो असा किसानों के व्यूज गिनते हैं तो अगो मुकम्मल तब ये देखो नाजरीन, इतना जुल्म है कि अमले का बंदा ना ही कोई इतना आंदे ना ही कोई तवज्जो लेंदे। हालांकि इको बनावे ना जेले नुकसान थी वे सी ऊँ वाले सारा अमला इतना आ सी इको बने सी, क्योंकि क्या इतना आवाम का टैक्स का पैसा को नहीं लगा पिया, आवाम के पैसे को नहीं लगे पे। ये इं वजह कि बनाई वेंदी है क्योंकि सत्ता जमीन उच्ची है, ये झिकी है, अगो रुकावट दे के पानी को रोक के और फसलों को पानी दिता वेंदे। ये मोगे हैं, ये देखो जी, नहरी महकमे दे लोग इत्थे आवण दा गवारा नहीं करदे। किसान को जायकड़े ना असा उन्हें डिस्कस करें दे हैं, उन्हें कि ना पूछते हैं इन बारे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? क्या हाल है भैया? तबीयत ठीक है? अल्लाह जी तुसा सुनाओ, खैरियत? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, बेहतरीन। अगर तवज्जो देवे ना तो भाई जान के बढ़ना की होया, कहीं तवज्जो नहीं दी, कोई पूछना लगा नहीं। तो साल थी गम्मा तेरा वाक ते आना मेरा मरे था टूटी पई है। और तुम्हारे सामने की गल है, अगर इटाफा ना होवन तो पानी तो जमीन च गुजर भी सी, और कहीं मोगे देखो जो मोगे कितना है कुचन पाए, कहीं पानी चाड़ी ना सकसी। अभी वैसे मैं ना जरा मोगे उच्चे अन पे डाफ टुट वे सी, पानी निकल वे सी, और पानी नहीं चाड़ सकना किसी सूरत के उत्ते भी, और किसानों का नुकसान थी सी, फार्मर का नुकसान थी सी। जल्द को सही पानी कोई ना मिल सी फसलों को, जहरे फार्मर वाल बोर ही चलावन, जल्द पानी नहीं चढ़ता फार्मर बोर चले सी, जल्द फार्मर बोर चले सी फार्मर का कितने नुकसान है, पहले फसलें जो क्या बचते फार्मर को, क्या रुकावट बनवे सी इन किसान शो रोकिया तो है, उन्हें को रोकने की कोशिश की है ताकि पानी चाड़ बन जाए, लेकिन पानी वाल भी मजरा नहर वादी पी मैं डिठा है पानी कोई नहीं चढ़िया। ये लोग शोदे बड़े मुतासर थे, शोदे बोर चले ही रह गए, बोर दिन बाद सामने डीजल दे आज इधर गरीब लोग हैं, गरीब लोग हैं जिधर डीजल महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, पूरी महंगाई है काफ़ी सारी, डीजल जिधर रेट पहुँच चुके लोग शोदे बड़े डीजल खपे ही रह गए, लेकिन फसलें जो तुम्हारा फसल कोई फार्मर आवेन अल्लाह करे मतलब कुमें खाके क्या उन्होंने फसलें उसका बैठे छी छी सौ मन किला गन्ने का नहीं दीता, नुकसान थी अला से पूछने वाला कोई का नहीं, कोई अंग बनाने वाला कोई नहीं, अगर कोई आवया बनाया रिपेयर करना तो बनी ला थी तुम्हारे सामने, और बोल कर कौम सारे का नुकसान है। ये नुकसान तो है जो सारी तबई का मुझे बने जैसा पाकिस्तान सारा, ये मुकम्मल तौर पर त्रुट चुकी है, तबाह चुकी इन भी तले जरा है ना घाव लह गया, ये पानी तलो वजन शुरू थी गया क्योंकि पानी जल रुकावट ही कहना आई, कोई रुकावट कहना आई हूँ तो अपनी जगह गोल नहीं आई। महकमे को सारी रिक्वेस्ट है कि खुदारा इंदे पासे आके तवज्जो दो, क्योंकि कोई मुल्क ज़रात के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। कौमी आमदनी इजाफा थी सी, फीकस आमदनी इजाफा थी सी, मुल्क तरक्की करे सी। किसान आखना ना साइन है कि भी कुछ कमेंट्स गिन गिनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तभी तुसा तवज्जो नहीं दी थी यार, की मैं तवज्जो दूँ, गरीब लोग हैं, डीजल के हालात वाले सामने हैं, हूँ डीजल घिनूँ इडे तवज्जो दूँ किडे किडे जो करूँ बाहर के ए काम तो मकसद है सादे ना हुकूमतें दे, लेकिन सारे तामन करन लेकिन नहीं ही पे दिलचस्पी रख दे कोई भी इन्हें बारे हूँ मोगियों के हालात तो साढ़े एक दिन मोगे कितना उच्चे ये कितना जो थी पिए पानी लगता कोई नहीं, फसलों के हालात वाले सामने हैं, बोर चला 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 अस थक गए हैं। क्या तुम सब महकमे कि कौन में गए? महकमे कि गए हैं, सबने को भी रिक्वेस्ट की है कि भी सारे कोई तामन करो, वो आदन के यार सारे मुल्क दे विच कुछ है जो असा तामन करूँ, किडे गई है मुल्क दे विच असा खा गया है,
असा तो अपनी मजदूरी करें हैं, मेहनत करें हैं, मेहनत के सौ करें हैं, सब कुछ तुसा क्या मुफाद अज तक दिते? कोई मुफाद कोई नहीं ऐसा कोई हुकूमत का। अच्छा, हर बंदा मकसद है कि परेशान है पानी वास्ते, ये है वो है, ये हम सारे निज़ाम बिठे सारे टुटे पैन इन्हें आखिर कुछ ना कुछ हुकूमत भी सामुन कर रहे हक बनते हों हाँ नहीं करे सी पानी तो लगना ही कोई नहीं। कितना अरसा ठीक है टुट चुकी है? हाँ तकरीबन ये तो ठीक है ना, नौ दह महीने दिखाई पानी को नौ दह महीने। हाँ जी अजन तक इन्हें पास कहीं तवज्जो नहीं दी, कहीं तवज्जो नहीं की, क्या करूँ? आदन ये बैलदार वगैरह भी हूँ ना, इतना कोई अक्सियन है ना कोई है भाई, कोई देखूँ कहीं क्या है क्या नहीं, बिल्कुल कह ना दिलचस्पी कोई नहीं। बस ठीक है यार, सादा काम तो चलता पाया, सर तरह गिंदे बैठे हैं गरीब लोग हैं, बस जी मैं कुटी चन पाए कुटी चल, पानी तो बगैर तो कोई शेक है नहीं, फसल तो पानी तो बगैर तो नहीं सही जाना, हम क्या करूँ? ई दफा जल नहर वहन बांधी रह गई है। हाँ जी, क्या मोगे ते भी पानी चढ़ता है? नहीं नहीं, मोगे ते किमें चढ़ता है? आधे खड़े उन्हें को मेहरबानी करो, सारे नाल कोई तामन करो, असा पानी को बगैर क्या करे सू? मकसद है कि ट्यूबवैल चला उ डीजल 300 रुपए मकसद लीटर लगा खड़े, वो लीटर भी साको पूरा नहीं मिलता, अगो वाला जेरे पंपे वाले हजरात बैठे थे वो भी तो मकसद है कि सारे नाल तामन जरा कर, वो भी तो सारी ने जहर है अपनी रोजी वो भी रखते हो सन, ता क्या मकसद है कि ये सारे जमार मकसद है कि पीटर चलाया दू चार भी घे पीते बस ओशोदा साजवा मजदूरी तो धुकिया चार अठ ने कमाया और बच्चे को खवावे डीजल घिने क्या करे बस मेहरबानी।